अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा जयंती पर भोपाल में सभा के दौरान आदिवासी जनजातियों के कल्याण के लिए कई सारी बातें अपने उद्बोधन में कई सारी बातें कही और आदिवासी जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र भी किया गया। वही खरगोन बड़वानी जिले के सांसद गजेंद्र सिंह पटेल द्वारा भी अपने लोकसभा क्षेत्र में आदिवासी जनजातियों के लिए रोजगार एवं शिक्षा के क्षेत्र में आदिवासी समाज के उत्थान के लिए कई सारी योजनाओं की शुरुआत की गई है। बड़वानी में जो अभी युवा हैं उनके रोजगार को लेकर आपके द्वारा क्या सार्थक कदम उठाए जा रहे हैं? खरगोन बड़वानी ऐसे मेरा लोकसभा का जो क्षेत्र है वो जनजातीय लोकसभा है और कहेंगे रोजगार को लेकर हमेशा से विगत कई वर्षों से डिमांड भी हो रही है। निश्चित तौर पर रोजगार के साधन मिलना चाहिए, इसलिए केंद्र की सरकार के द्वारा जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसमें हमने कई रोजगारों को हमारे बेरोजगार युवाओं को आवेदन कराए हैं और हमने हर 3 महीने में रोजगार कैंप भी लगाते हैं। हमने इस देश भर की जितनी प्राइवेट कंपनियां उस प्राइवेट कंपनी के लोगों से संपर्क करके वहाँ पर कौन कौन सी पोस्टें खाली रहती, किस किस प्रकार के प्रशिक्षण बच्चों को रोजगार मिल सकता है, तो वो कंपनी आती है ऑनलाइन अप्लाई करती है और तत्काल उनका हर 3 महीने में हमने कैंप लगाया और ऐसे कैंप लगाकर उनको जो तत्काल उनके शिक्षा के आधार पर जो रोजगार मिल सकते हैं तो ऐसे कई सैकड़ों बच्चों को रोजगार भी मिला है। दूसरा था कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र जो है वहाँ पर हमारे खरगोन बड़वानी में 10 प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, परंतु हमने डिमांड करी उसको हमने 27 प्रकार के प्रशिक्षण उसमें शुरू कराए हैं, जिसमें तमाम प्रकार की छोटी सी चीज़ से निर्माण से लेकर एक बड़े लेवल की चीज़ों का निर्माण करने वाले इस प्रकार के बच्चों का प्रशिक्षण किया जाता है, जिसमें विगत 3 सालों में कई बच्चों ने अपने खुद की दुकानें खोली है और खुद की दुकानों से रोजगार स्थापित किया, उसकी भी संख्या सैकड़ों में है। निश्चित तौर पर दोनों प्रकार की व्यवस्थाओं में हमको रोजगार मिला है। रही बात हमारे इस खरगोन बड़वानी ज़िले में कहीं कहीं लघु उद्योग भी हैं, कहीं कहीं फैक्ट्रियां भी हैं, नई फैक्ट्रियां भी हमारे पिछले 2 सालों में हमने खुलवाई है, उसमें भी हमारे कई प्रकार के ट्रेनिंग वाले बच्चों को भी रोज़गार मिला है। हमारे जुलवाने के पास में हम फैक्ट्री देख लीजिए, हम निमरानी का हम प्लांट देख लीजिए, खरगोन में हमारी शुगर फैक्ट्री देख लीजिए, ऐसे तमाम प्रकार के बड़े उद्योग भी लगाने का हमने प्रयास किया है। जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है कि आत्मनिर्भर बने और उस आत्मनिर्भर में हमारे बेरोजगार युवक भी खड़े हो सके, इसलिए आदरणीय नितिन गडकरी जी का योजना उसके द्वारा आत्मनिर्भर बनाने के लिए अलग अलग प्रकार से लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, कहीं के MSME मंत्रालय के द्वारा जो जिस प्रकार से सूक्ष्म रोजगार स्थापित किए जाते हैं, इस प्रकार की कार्यशालाएँ भी हमने हमारे दोनों जिलों में आयोजित की है, जिससे कई बच्चों को इसकी जानकारी मिली और उन्होंने कहीं के अप्लाई भी किया है। तो निश्चित तौर पर इस प्रकार के आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस प्रकार की योजनाओं का लाभ बच्चों को मिले तो इस प्रकार के सैकड़ों हजारों लोग बच्चों को रोजगार मिला है। आने वाले समय में महेश्वर हमारी एक तीर्थ नगरी है, वहाँ पर भी हमने नए कुछ योजनाएं बनाई हैं। पर्यटन विकास से भी हमने हमारे सिरवल महादेव में एक नए केंद्र खोलने का प्रयास किया है। हमारे जंगल पहाड़ी में बहुत अच्छी सुंदर बस्तियाँ भी है, वहाँ पर मक्का की रोटी, ज्वार की रोटी, बाजरा, इस प्रकार की कुछ चीज़ें अच्छी बनती है, तो वहाँ पर भी पर्यटन स्थलों में अच्छे मंदिर। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।